साइंस। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा कि वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्यों हमारे शरीर में जो है वो वेट मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, कैसे जो है वो हम लोग ओवर वेट का शिकार हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हम क्यों हो जाते हैं, और सप्लीमेंट जो है वो कौन कौन से दिए जा सकते हैं, और उससे भी ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल के कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेट क्रिएट करते हैं, वेट गेन करवाते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले व्हाट इज वेट मैनेजमेंट, एक सिंपल सा वर्ड, एक सिंपल सा डेफिनेशन, व्हाट इज वेट मैनेजमेंट। तो जब आपके शरीर का वजन जो है वो संतुलित ना हो, जब आपके शरीर का वजन जो है वो सही मेंटेन ना हो, दैट इज कॉल्ड एज वेट मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वजन है, आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से जितना आपका वजन होना चाहिए वो अगर नहीं होगा तो आप जो है वो यहाँ पे वेट मैनेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब वेट मैनेजमेंट में जो है वो दोनों चीजें आ जाती हैं, वेट लॉस भी आ जाता है, वेट गेन भी आ जाता है, राइट। दोनों चीजें आती है वेट मैनेजमेंट में। कुछ लोगों को वेट लॉस की जरूरत होती है, कुछ लोगों को वेट गेन की जरूरत होती है। दोनों ही चीजें जो है वो क्यों जरूरी है, ताकि आप जो है वो एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर पाए। सो बेसिकली जब भी आप अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा खाना देते हो तो वो आपके शरीर में फैट के रूप में जमा होता है। तो हमारा शरीर जो है जो वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, राइट। हमारे शरीर को रोजाना एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी मिलती है जो खाना आप खाते हो, उस भोजन से, उस आहार से। अब उस भोजन से, उस आहार से बॉडी को जो कैलोरीज मिली है ना, यही कैलोरीज जो है वो आपके बॉडी सेल्स यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। यही कैलोरीज को आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है फंक्शनिंग करने के लिए, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो खाना जो आपने खाया, उस खाने से बॉडी को मिले कैलोरीज, कैलोरीज जो है वो बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जब एनर्जी होती है तो हम बॉडी ठीक से काम कर पाती है। अब यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली, जो कैलोरी आपके शरीर को रिक्वायर्ड होती है उससे ज्यादा जब आप देते हो ना तो वो शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, तो सपोज अगर मुझे 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, 2000 कैलोरीज की मुझे रोजाना रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं 2500 कैलोरीज खाना खाने लग जाऊंगा, अगर मैं इतना खाना खाने लग जाऊंगी जिससे मुझे 2500 कैलोरीज मिल रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज है ना वो मेरे शरीर में फैट के रूप में जमा होते जाएगी। और वहीं दूसरा सिचुएशन होता है, मेरे शरीर को जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है अगर मैं उतना सफिशिएंट नहीं खा रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे क्या हो जाता है, कैलोरी डेफिशिएंट हो जाता हूँ और अंडरवेट रह जाता हूँ, वजन मेरा कम रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है कि मेरे शरीर को एक्चुअली में कितना भोजन, कितना खाने की जरूरत है। उतना ही कैलोरी दीजिए, उतना ही भोजन दीजिए, ऑटोमेटिकली वेट मैनेजमेंट रहेगा। काफी लोगों के केसेस में आप देखिएगा, वो बहुत खाते हैं, डाइट उनकी बहुत अच्छी है, भरपूर खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते, क्योंकि वो उसी लेवल का जो है वो एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि उसी लेवल का जो है वो कैलोरी बर्न कर लेते हैं। वो जितना कैलोरी इनटेक उन्होंने लिया है उसे वो बर्न कर लेते हैं, एनर्जी का जितना इनटेक उन्होंने लिया है वो एनर्जी को स्पेंड भी करते हैं, स्टोर करके नहीं रखते अपने पास, इसलिए वो जो है वो मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि लगातार उनके शरीर में जो है वो फैट बर्न होता रहता है, कैलोरीज जो है वो बर्न होती रहती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वेट मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहला बेसिक काम करिए, कैलोरी डेफिशिएंसी पे जाइए, ओके। थोड़ा सा जो है वो कैलोरी डेफिशिएंट हो जाइए, थोड़ा सा कोशिश करिए कि जितनी कैलोरी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी पूरी कैलोरीज जो है वो फूड आइटम से मत दीजिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी सर्वाइव करने के लिए, बॉडी फंक्शनिंग करने के लिए जो एग्जिस्टिंग कैलोरी जमा हो गई है ना उनको बर्न करना शुरू कर देगी। जब आप खाने से कैलोरी कम देने लग जाओगे तो बॉडी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली शरीर में जो जरूरत से ज्यादा कैलोरी जमा हो गई है ना, पहले की जो कैलोरी जमा है उन्हीं को बर्न करने लगेगी, उन्हीं को फैट को लॉस करने लग जाएगी बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइव करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए। तो थोड़े 3 महीने 6 महीने आपको क्या करना है, आपको जो है वहां पर कैलोरी डेफिशिएंसी पे जाना है। कितनी कैलोरी डेफिशिएंसी, सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी रोजाना की जो है वो 1500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, 1500 या 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा 200 400 500 कैलोरीज कम खाइए, 200 400 या 500 कैलोरीज का डेफिशिएंसी कर दीजिए। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं, 20-30% का डेफिशिएंसी कीजिए। अब आप बोलोगे सर अगर कैलोरी डेफिशिएंसी करेंगे, खाना कम कर देंगे तो कहीं कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, उसी के लिए सप्लीमेंट्स को ऐड करिए, ठीक है। उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट्स को ऐड करेंगे ताकि जो है वो एनर्जी लेवल बना रहे, बॉडी सही तरीके से फंक्शनिंग करती रहे। तो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है,
हमारा वेट जो है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि शरीर को जितना एनर्जी इनटेक चाहिए उतना एनर्जी हम जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं और स्पेंड नहीं कर रहे हैं। स्पेंड नहीं करोगे तो शरीर में पड़े पड़े वो जमा होता जाएगा, ओबेसिटी या ओवर वेट का कारण बनेगा। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए फैट लॉस पे। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर में जो है वो फैट लॉस करें और मसल मास को इंक्रीज करें। बॉडी फैट परसेंटेज को जो है वो कम करने की कोशिश करिए। नहीं, कैलरी इनटेक को जो है वो कम करिए कैलरी आउटटेक के मुकाबले। कि अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया, अगर आपने जो है वो कैलरी इनटेक पे ध्यान नहीं दिया, कैलरी आउटटेक पे ध्यान नहीं दिया, अभी जो आप ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं उसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये आगे चलकर आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जैसे कि आपको हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, ऑर्गन कैंसर्स हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, कई सारी तकलीफें या बीमारियां या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? शरीर में चर्बी बढ़ने की वजह से, शरीर में फैट बढ़ने की वजह से। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उसी से लिंक्ड है, उसी से कनेक्टेड है। ओवरवेट या ओबेसिटी से कनेक्टेड है ये सारी प्रॉब्लम्स। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ऑफकोर्स यहाँ पे सप्लीमेंट्स, तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे ज्यादा चीज जो बेहद जरूरी है वो है लाइफस्टाइल के 6 फैक्टर्स। जी हाँ, हमारी जीवन शैली में आने वाले जो है वो 6 फैक्टर्स, 6 चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं वेट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि किसी भी कस्टमर को आप जाओगे और बोल दोगे कि सर ये लो मेरा प्रोटीन डेली ओमेगा बॉडी की शेक खाना कंज्यूम शुरू कर दो, वेट लॉस हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, बॉडी की शेक खाने से कोई वेट मैनेजमेंट नहीं, वेट लॉस नहीं होता है। बॉडी की शेक के साथ साथ लाइफस्टाइल के फैक्टर्स पे ध्यान देने की वजह से वेट लॉस होता है। बॉडी की शेक सपोर्ट करने का काम करता है। तो कहते हैं ना, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, उसी तरह से कोई वेट मैनेजमेंट के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को पहले से बता दीजिएगा, नहीं तो वो सोचेगा कि अरे मैंने आपका 3 डब्बा लिया था, कुछ काम नहीं आया, कुछ वजन कम नहीं हुआ, ऐसे ही बोलेगा आपको। अगर आप उसे ये नहीं बताओगे कि वेट मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं जीवन शैली के वो 6 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसकी तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। एस्पेक्ट नंबर 1, फैक्टर नंबर 1, डाइट। जी हाँ, डाइट यानी कि जो भोजन आप ले रहे हो, आहार आप ले रहे हो, क्या वो संतुलित है या नहीं है, क्या वो संतुलित है या नहीं है, यानी कि वो बैलेंस डाइट है कि नहीं है, ये पहले चेक करो। क्या उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड वे में है कि नहीं है, कहीं कोई एक मैक्रो न्यूट्रिएंट जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अब होता यही है एक्चुअली में कि आप अगर ओवरवेट या ओबीस हो रहे हैं ना, तो आपके शरीर में या आपके डाइट में बेसिकली दिन भर का जो भोजन आप ले रहे हो ना, उसमें या तो वो बहुत ज्यादा हाई फैट डाइट होती है या हाई कार्ब्स डाइट होती है। ओके, हाई फैट डाइट होती है या हाई कार्ब्स डाइट होती है, तो हमें उसे बैलेंस करना होगा। अपना डाइट प्लान ऐसा बनाइए जिसमें लो कार्ब्स या लो फैट वाली डाइट प्लान होनी चाहिए। जो भी दिन भर में भोजन आप ले रहे हैं, आहार आप ले रहे हैं, उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होना चाहिए, ये देखना है पहले आपको। तो इसीलिए वेट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली कि आप क्या खा रहे हो, यानी आपकी डाइट, आप क्या खा रहे हो, आपकी डाइट जो है वो सबसे पहला फैक्टर है, उसको ध्यान देना है। तो एक प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो बनाना जरूरी है, और सिर्फ डाइट प्लान बनाना जरूरी नहीं है, उसे फॉलो करना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा लाइफस्टाइल का फैक्टर जो कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है एक्टिविटी लेवल। जी हाँ, एक्टिविटी लेवल यानी कि आपके दिन भर में जो है वो दिनचर्या के दौरान आपकी जो जीवन शैली है उसमें आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है। एक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक होता है जनरल मूवमेंट यानी कि दिन भर इधर उधर घूम लिया, घर में काम कर लिया, वॉकिंग पे चले गए, ये जनरल मूवमेंट में काउंट होता है। और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, जहाँ पे आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करते हो, समय निकालते हो। काफी बार कस्टमर यही बोलते हैं कि अरे नहीं अंकित भाई, कहाँ टाइम ही नहीं मिल पाता है, कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, दिन भर घर का काम ही इतना हो जाता है, कहाँ एक्सरसाइज करूंगी। अगर कस्टमर ऐसा कह रहा है तो उन्हें बताइए कि सर एंड मैम, अगर वेट मैनेजमेंट करना चाहते हो तो टाइम निकालना होगा। फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करना कंपलसरी है, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे। ठीक है, वेट मैनेजमेंट करना चाहते हो और आप बोलोगे कि मैं घर में ही दिन भर काम बहुत हो जाता है, वही मेरे लिए काफी है, नहीं नहीं होगा। आप बोलोगे मैं रोज वॉक करने जाती हूँ, क्या वो चलेगा क्या? नहीं, वो भी नहीं चलेगा। प्रॉपर एक्टिविटी, प्रॉपर एक्सरसाइज, इसके बारे में उसे समझाइए, इसके बारे में उन्हें बताइए। यूट्यूब पे, ऑनलाइन चैनल्स पे बहुत सारे एक्सरसाइज के वीडियोज हैं, वो उन्हें अप्लाई करने बोलिए, फॉलो करने बोलिए।
ये हो गया दूसरा दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर वेट मैनेजमेंट में जो रोल प्ले करता है आपकी लाइफ स्टाइल का, आपकी जीवन शैली का, वो है स्ट्रेस लेवल। कितने लोगों को स्ट्रेस होता है? ऑलमोस्ट हम सभी को, कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको स्ट्रेस नहीं होता है। आजकल तो बच्चों को भी स्ट्रेस हो जाता है।